नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। लाइफ और साइंस को रहस्यमय टॉपिक माना जाता है। इस पर जितना रिसर्च किया जाता है उतना ही इसका रहस्य बढ़ता जाता है, साथ ही हमारी जिज्ञासा भी। चाहे आप बच्चे हो या फिर बड़े, कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी रहस्यों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है। आज हम आपको फैक्ट डोज में आपके लिए साइंस से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर वन, आखिर रोटी कैसे फूल जाती है? रोटी बनाते वक्त उसे पकाने के लिए जब हम जलती गैस पर उसे रखते हैं तो वो तुरंत फूल जाती है। ये देखकर आपके मन में भी कभी सवाल जरूर जागा होगा कि आखिर रोटी में कौन सी ऐसी गैस होती है जिसकी वजह से वो फूल जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रोटी के फूलने की वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दरअसल जब हम आटे में मिलाकर उसे गूंथते हैं तो प्रोटीन की परत बन जाती है। ये आटे में मौजूद प्रोटीन होता है, इसे लचीली परत को लासा या ग्लूटेन कहा जाता है। ग्लूटेन की सबसे खास बात है कि वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। जब रोटी को आग पर सेकते हैं तो लासा यानी ग्लूटेन के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलकर फैलने की कोशिश करती है। इससे रोटी के ऊपर परत पर दबाव बनता है और वो फूल जाती है। नंबर टू, कभी गर्मी की तपिश कभी सर्दी की ठिठुरन, आखिर कैसे बदलता है मौसम? मौसम बदलने का सबसे बड़ा कारण धरती का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना है। इसके अलावा अलग अलग समय पर धरती की सूर्य से अलग अलग दूरी होती है, इसकी भी मौसम परिवर्तन में काफी भूमिका होती है, लेकिन मुख्य कारण इसका झुकाव ही है। जिस जगह सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ मौसम गर्म होता है, और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ मौसम ठंडा या फिर नम रहता है। नंबर थ्री, लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन इससे बना बड़ा सा जहाज क्यों नहीं डूबता? समुद्र में बड़े बड़े जहाजों से काम किया जाता है। पानी के जहाज को बनाने में कई करोड़ रुपए की लागत आती है। पानी पर तैरने वाले जहाज का वजन कई हजार टन रहता है। ये समझिए कि एक पूरी कॉलोनी पानी के जहाज में एक साथ सफर कर सकती है, या फिर मालगाड़ी के बराबर उसका भार होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जहाज पानी में डूबते क्यों नहीं? दरअसल लोहे की नाव या भारी भरकम पानी का जहाज पानी में ना डूबने के पीछे आर्कमिडीज का सिद्धांत काम करता है। जब हम लोहे की कोई भी चीज पानी में डालते हैं तो वो वस्तु अपने भार के बराबर जल को हटाती हुई नीचे जाती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक गिलास के ऊपर तक पानी भर लिया जाए तो इसके बाद इसमें लोहे की एक मोटी सी गेंद डाली जाए तो आप देखेंगे कि पानी गिलास से बाहर निकलने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बॉल ने अपने भार या फिर आयतन जितना पानी गिलास से बाहर धकेल दिया। इसी तरह जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो पानी की ताकत उसे ऊपर की ओर उछालती है और वो आयतन तैरता रहता है। नंबर फोर, जितने देश उतने टाइम, कैसे तय होता है दुनिया का समय? अगर आप 1 जनवरी की सुबह 1 बजे को टोक्यो से फ्लाइट पकड़ते हैं तो जब आप लॉस एंजलिस पहुंचेंगे तब घड़ी का समय लगभग 10 घंटे पीछे हो जाएगा। दरअसल लॉस एंजलिस में उस समय 31 दिसंबर के शाम 5 बज रहे होंगे। ये कोई जादू नहीं है, इसकी वजह है टाइम जोन का अंतर। ये तो आप जानते हैं कि धरती और सौर मंडल में सूरज का चक्कर लगा रही है और साथ ही वो अपने एक्सिस पर भी 24 घंटे घूमती रहती है। सूरज का चक्कर लगाने से साल बदलता है और एक्सिस पर घूमने से धरती पर दिन और रात होती है। मगर धरती का आकार इतना बड़ा है कि एक समय पर यहाँ एक जगह दिन तो दूसरी जगह रात होती है। देशों के अलग अलग टाइम जोन होने की मूल वजह यही है। नंबर फाइव, उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का क्यों नजर आता है? ये नजारा बेहद खूबसूरत और रोमानी होता है। ऐसे समय आसमान में तेजी से रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। तेजी से रंग बदलने के बीच सूरज लगातार लाल ही दिखता है। इसका कारण पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। इसका जवाब रैली स्कैटरिंग से समझा जा सकता है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी अलग अलग हवा की परतों से गुजरती है, इन परतों से गुजरते हुए रोशनी दिशा बदलती है और बट जाती है। वातावरण में कुछ कण भी होते हैं जो विभाजित रोशनी को उछाल ले आते हैं या उसे प्रतिबिंबित करते हैं। जब सूरज डूबता या उगता है तो उसकी किरणें वातावरण की सबसे ऊपर की परत से एक निश्चित कोण से टकराती हैं और यहीं पर ये जादू शुरू होता है। तो ये तो थे आज के कुछ मजेदार और मिस्टीरियस फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा और बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।